हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे न्यू गोलो। सो गाइस, आज तारीख है गाइस 28 और गाइस बज रहे हैं गाइस 3:12 और गाइस आज बहुत खुश हूँ, मैंने सबसे बात कर ली गाइस। मेरे को सबकी याद आ रही थी, तीनों दोस्तों की याद आ रही थी, तो मैंने सबसे बात कर ली है। एक दोस्त है मीटिंग में है, थोड़ा बिजी है, कोई कुछ चीज़ की मीटिंग चल रही है। मतलब आपको भी मैं उनकी वीडियो दिखाऊंगा वो किसके साथ रहते हैं क्या। और एक दोस्त गांव में ही है, वो अपने अब उसको भी कुछ काम नहीं है मेरे से, लेकिन गाइस बड़े हैं वो बहुत ज़्यादा। और एक दोस्त को अभी फ़ोन लगाया तो गाइस उसको लगा नहीं क्योंकि नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। वैसे मैंने सबसे बात कर ली और क्या, मन ही भर गया। उनसे तो मैं रोज़ ही बात करता रहता था इनसे, लेकिन वो दोस्तों से आज ही बात की। और गाइस अब 1 तारीख के बाद मैं गाँव भी जाने वाला हूँ अपने, तो गाइस अब इतने अच्छे ब्लॉग भी नहीं बना पाऊँगा और अच्छा इतना सब कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। अभी जितना कर लेता हूँ गाइस उतना कर लेता हूँ। और गाइस वो दोस्त मेरे ऐसे गाइस बहुत बढ़िया दोस्त गाइस, वो मीटिंग में थे तो उसके बाद ही उनने मुझसे बात की। वो बोलने लगे हाँ अभी मीटिंग चालू नहीं हुई, तुम बात कर लो, बोलो क्या बोल। तो गाइस बढ़िया गाइस, वो कुछ ज़रूरी मीटिंग कर रहे होंगे गाइस, मेरे को भी नहीं पता। तो गाइस मैं आपको उनकी कुछ वीडियो दिखाता हूँ गाइस। अच्छा लगा तो गाइस लाइक करना, हो सके तो गाइस शेयर भी कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब करने क्योंकि आपको ऐसे ब्लॉग मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब ना हमारे चैनल रुद्रकिन सिवान। सो गाइस आप देखो उनकी वीडियो, मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो गाइस। आपको सो गाइस मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया गाइस कि वो किसके साथ रहते हैं गाइस और किसके साथ नहीं रहते। और गाइस से मैंने आपको सब कुछ बताया कि वो किसके साथ रहते हैं गाइस। वो ऐसे ही मंत्री के साथ रहते हैं एक दोस्त तो। और गाइस एक दोस्त हैं ऐसे गांव में, उनके पास खेत है, वो खेत में इतना संभालते रहते हैं। और एक दोस्त है वो पढ़ाई कर रहा है,
तो गाइस ऐसे ही मेरे दोस्त हैं गाइस, तीन दोस्त हैं रियल रियल, बाकी तो सारे फेक हैं। मतलब गाइस वो होता है ना, मतलब एक आईडी रहती है वो रियल रहती है, बाकी सारे ऐसे ही रहती हैं। तो वैसे ही मेरा काम है गाइस, बाकी के तीन हैं मेरे, तीन दोस्त हैं। और गाइस मैं ऐसे ही अपने बारे में बताता रहता हूँ गाइस, अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाता रहता हूँ गाइस। कल का ब्लॉग भी मैंने बहुत अच्छा बनाया। और गाइस दोस्त ऐसे करो जो अपना साथ दें, तो गाइस ऐसा नहीं तो गाइस बहुत सारे दोस्त रहते हैं गाइस, वो अपन से जलते हैं गाइस, जलने वाले गाइस बहुत रहते हैं। तो गाइस मैं भी ऐसे यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, खोल रहा हूँ। और गाइस आप सपोर्ट करो मेरे को, क्योंकि गाइस मैं ऐसे ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ गाइस, और ऐसे ऐसे ब्लॉग बनाता रहता हूँ। तो गाइस सब्सक्राइब ना माय यूट्यूब चैनल रुद्र किंग सिवान्स। अच्छा लगे ब्लॉग तो गाइस लाइक कर देना, हो सकता है शेयर कर देना। तो गाइस मैंने इसके मेरे से वीडियो डाउनलोड तो नहीं हुई, तो इसलिए आपको वो इंस्टाग्राम पर उनकी फ़ोटो डली थी वारी वाली, वो उन्हीं मेरे दोस्त की थी। और वो वीडियो में आपने वो जो बंदा देखा वो भी मेरा दोस्त ही था। और गाइस मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से मैंने वीडियो बनाई गाइस, और किसी से मेरे से वीडियो, क्योंकि वीडियो डाउनलोड हो ही नहीं रही थी इंस्टाग्राम पे से, तो इसलिए। और गाइस अभी वो मीटिंग में ही थे, कहीं के मंत्री के साथ मीटिंग में होंगे गाइस, कहीं के या कलेक्टर मलेक्टर के साथ मीटिंग में होंगे। तो ऐसे ही वो मीटिंग में रहते हैं और ऐसे घूमते रहते हैं। और क्या, अभी आपने लाल सरकारी गाड़ी, मतलब सारे सब कहीं घूमते रहते हैं बहुत, तो ओपी दोस्त हैं गाइस मेरे तो। और गाइस मेरा इंस्टाग्राम भी गाइस, आपको इंस्टाग्राम पे नहीं गाइस, आप तो मेरा यूट्यूब पे गाइस सब्सक्राइब कर लेना। वैसे गाइस मैं तो आपसे इतना ही बोलूँगा कि मेरे यूट्यूब पे गाइस सब्सक्राइब कर लेना आप, और मैं आपसे और कुछ नहीं बोलता, क्योंकि गाइस बांग। और गाइस मेरे तीनों दोस्त हैं बहुत अच्छे हैं। और गाइस मैं अपने बारे में बताता हूँ गाइस, मैं उनके बारे में रिवील करता रहूँगा। तो और कुछ देर बाद मैं वीडियो एडिटिंग करके अपलोड भी कर दूँगा। वो कल की वीडियो तो गई वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी मेरे से, तो मैंने उसको बड़ी करके, मतलब मेरा मोबाइल इतना छोटा था और वीडियो इतनी बड़ी थी। अब वो एडिट तो हो गई थी लेकिन उसमें मोबाइल में डाउनलोड नहीं हो रही थी। तो गाइस फिर मैंने दिमाग चला के फिर उसको सबसे कम MB वाले पे किया, और फिर जाके उसको डाउनलोड की। फिर मैंने जितनी वीडियो बनाई थी सभी वीडियो को डिलीट कर दी। गाइस आपको मैं यही तरीका बताता हूँ, अगर मान लो आपकी 20-25 मिनट की वीडियो बन जाती और आपका मोबाइल मेरे जैसा 1 GB रैम वाला है, सो गाइस आप क्या करना, पहले आप जाना काइन मास्टर पे, उस पर सबसे कम वाले HD पे वीडियो को करना, और फिर उसके बाद उस वीडियो को डाउनलोड करना सबसे कम वाली को। उसको डाउनलोड करने के बाद जितनी भी वीडियो आपने बनाई थी ना उनको सबको डिलीट कर देना, डाउनलोड करी थी ना वो अकेली वीडियो रखना है आपको, और फिर से जाके काइन मास्टर पे और सबसे फुल HD वाला कर देना है आपको, और फिर उसको डाउनलोड कर लेनी है, और जो आपने पहले करी थी उसको डिलीट कर देना है। सो गाइस आपकी रैम भी नहीं भराएगी और वीडियो की वीडियो अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे ही गाइस यही तरीका लगा कि मैंने किया, अगर आपको भी करना हो तो गाइस कर सकते हो, अगर आपका 1 GB रैम वाला मोबाइल है तो। और गाइस मैं ये मेरे को, मैं मामा जी उनके घर पे हूँ, उनका भैया का ये स्टैंड रखा था मोबाइल वाला, उसी से मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि इस स्टैंड में मेरे को अच्छे लग रहा है ये स्टैंड मेरे को, इसलिए मैं इस स्टैंड से मोबाइल ब्लॉग शूट करता हूँ आपको। मैं ये स्टैंड दिखाता हूँ गाइस, देखो गाइस ये देख सकते हो गाइस, ये स्टैंड है ये मोबाइल का ये वाला, मैं इसी से ब्लॉग शूट करता हूँ। और आज ही कर रहा है मैंने ऐसे ब्लॉग शूट, कल तो मैंने फ़ोटो अकेली खींची थी, कल ही आज ही कर रहा हूँ ये ब्लॉग शूट, क्योंकि गाइस कल वाला ब्लॉग था वो मैंने अपलोड कर दिया है, तो इसलिए मैंने कहा न्यू ब्लॉग बना लेता हूँ। मैं सोच रहा था कि आज ब्लॉग नहीं बनेगा, लेकिन गाइस मेरा मन किया फिर मैंने बना लिया, क्योंकि गाइस सब साथ तो सारे दोस्तों से सबसे बात हो चुकी है, आज तो मैं पूरा फ्री हूँ, पिताजी से भी बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो सबसे बात हो चुकी है और अब सबसे फ्री है गाइस। अब तो मोबाइल आने की देरी है, तो वो मैं गांव चला जाऊंगा, मेरे को खुद ब खुद मोबाइल मिल जाएगा,
और आपको भी दिखाऊंगा मैं उसकी ओपनिंग करके गाइस, अभी न्यू बिल्कुल न्यू दुकान से लेके आऊंगा गाइस बिल्कुल न्यू, तो आपको ओपनिंग करके भी दिखाऊंगा उसमें क्या क्या निकलता है क्या, और पबजी खेल के भी दिखाऊंगा सबसे शुरू में कैसे चलता है और क्या, और अच्छे से वीडियो पहला गेम प्ले भी मैं डालूंगा इसमें यूट्यूब पे, मैं पहला गेम प्ले भी डालूंगा अच्छा होगा या बेकार होगा जैसा भी होगा मैं उस यूट्यूब पे ज़रूर डालूंगा, क्योंकि यूट्यूब के लिए मैं मोबाइल ले रहा हूँ और यूट्यूब पे ना डालूँ फिर गाइस कैसे चलेगा, और यूट्यूब के लिए गाइस मेरे को कुछ भी करना पड़ता है क्योंकि गाइस मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा भरा रहता है, ऐसे मान लो किसी की वीडियो हो तो गाइस मैं डिलीट कर देता हूँ, पहले मैं यूट्यूब की वीडियो संभालता हूँ उसके बाद और कुछ संभालता हूँ, तो इसके लिए और गाइस ब्लॉग आज भी ज़्यादा बड़ा नहीं करना मेरे को, छोटा ही सा ब्लॉग रखना है मेरे को भी, और गाइस चैनल पर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप ब्लॉग मिलते रहे, सब्सक्राइब ना हो मैं चैनल रुद्र किंग से, और अच्छा लगे ब्लॉग तो लाइक कर देना, हो सके तो गाइस शेयर कर देना, और चैनल पर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप ब्लॉग मिलते रहे, सब्सक्राइब ना हो मेरा चैनल, तो गाइस आप सब्सक्राइब कर लेना गाइस, गाइस यहाँ पर अच्छा चलता है अब देख सकते हो अच्छा है, लेकिन वहाँ से मैं यहीं से आता हूँ काला दिखने लगता है, और गाइस मैंने कल वाले ब्लॉग की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, तो गाइस चेकआउट करना है, और गाइस कल वाला ब्लॉग भी देखना, कल वाला ब्लॉग गाइस नॉलेज के लिए है और बहुत अच्छा ब्लॉग बनाया है, तो गाइस ज़रूर देखना उस ब्लॉग को, और गाइस मैं मिलता हूँ आपको गाइस थोड़ी देर बाद, सो गाइस चैनल पर, और गाइस ब्लॉग पूरा देख के जाना आखिर तक बने रहना गाइस, अच्छा लगा ब्लॉग तो गाइस लाइक ज़रूर करना, हो सके तो गाइस शेयर भी कर देना, और गाइस चैनल पर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप कैसे इंटेक्स ब्लॉग मिलते रहें, सब्सक्राइब ना हमारे चैनल रुद्र किंग से, सो गाइस मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, सो गाइस मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ, अभी मैंने सारी वीडियो सब कुछ देखा एड और सब कुछ देख लिया गाइस, मैंने अभी वीडियो भी देख ली गाइस सब कुछ, और गाइस अभी मैंने सोचा पहले ब्लॉग कुछ भी कर लेता हूँ, और गाइस यहाँ पर तो गाइस बहुत ही हार्ड काम है भोपाल गाइस, ये सब ऐसा भोपाल है गाइस, अगर अपन ढूंढते हैं ना उसका भी टैक्स लगता है, और अपन कुछ खरीदे ऐसे मान लो मोबाइल ही खरीद लिया तो उसके भी हर महीने आपको टैक्स देना पड़ेगा, ऐसे मान लो अपन ने कहीं जगह खरीदी है उसका भी टैक्स दो, ऐसे मान लो ये मकान है गाइस ये मकान मैंने खरीद लिया तो गाइस इसका भी हर महीने टैक्स आएगा, तो गाइस हर चीज़ का टैक्स है, अगर टीन ले लो या एक ईंटा क्यों ना लो उसका भी टैक्स आएगा, जो रिंगता है ना गाइस रोड पे ऐसे रिंगते हैं ना उसका भी टैक्स लगता है भोपाल में, गाइस बहुत ही हार्ड है, लेकिन गाइस गाँव में तो ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, लेकिन सिटी में बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन गाइस हर चीज़ का टैक्स लगता है गाइस सिटी में, लेकिन गांव में गाइस इतना टैक्स किसी चीज़ का नहीं लगता, ऐसे मान लो अगर गांव में अपन सोना खरीदने जाएंगे ना तो उसको वो क्या बोलते हैं सोनी है रहता है वो टैक्स लेगा अपन से 8 या 10% अपन से टैक्स लेगा, और उसके ऊपर वालों को भी जिसको जवाब देना पड़ता है, तो सोने चांदी ऐसी चीज़ों में टैक्स लग जाता है अपने गांव में, लेकिन गाइस रिंगने का टैक्स नहीं लगता और इतना घर का टैक्स नहीं लगता, ऐसे मान लो अपन ने कहीं जगह खरीदी उसका टैक्स नहीं लगता गांव में, लेकिन गाइस यहां पर तो सारी चीज़ों का टैक्स लगता है, अगर जगह खरीद लो घर खरीद लो हर चीज़ का टैक्स आएगा आपका, ऐसे मान लो ना छोटी से छोटी चीज़ का भी टैक्स आएगा, छोटी सी छोटी चीज़ भी, ऐसे ये नर्मदा लाइन डली है ये इसका पानी आता है यहाँ पर तो उसका पैसे देना ही पड़ता है गाइस, बहुत ज़्यादा पैसे देना पड़ता है उसके लिए, तो 2200 या 2300 रुपये में गाइस एक साल हो जाती है, एक साल पानी भर सकते हो गाइस, आप बिल्कुल एक बूंद पानी भी मत भरो गाइस उसके बाद भी आएगा आपके पास ये, और नहीं तो और आप 4 घंटे भी बगड़ने दोगे ना पानी तो भी उतना ही आएगा आपका बिल या टैक्स जो भी बोल दो, तो ऐसे ही हाल है गाइस यहाँ पे, तो हम तो हमारी बात करते हैं गाइस, अभी तो सुबह सुबह एक एरोप्लेन दिखाता लेकिन मेरे को दिखा नहीं, वो बादल बहुत ज़्यादा हो रहे थे और वहाँ पर हमारे इधर पे पानी भी गिर रहा है किरार भवन के इधर पे, रोहन भैया बता रहे थे मेरे को, मेरे दोस्त बता रहे थे
यहाँ पर तो बूंदे हैं, लेकिन मैंने बोला यहाँ पर तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी ये बादल हो रहे हैं, यहाँ पर भी ऐसे बादल हो रहे हैं, और लेकिन हमारे इधर पे भी बूंदे बूंदे गिर रही हैं, ऐसी कुछ हो रहा है, लेकिन इधर पे बादल हो रहे थे तो एक एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर निकला होगा, वो मेरे को दिखा नहीं। और लॉकडाउन में बहुत नीचे से उड़ते हैं गाइस, मैं यहाँ पर रहता लेकिन मेरे को भी गांव की याद आती है, तो मैं तो जाने वाला हूँ गांव, बहुत घूम लिया, बहुत ऐसे कर लिया, बहुत सब कुछ कर लिया, अब अपने गांव के दिन भी देख लेते हैं गाइस। अभी तो यहाँ पर तो बहुत मौज की, अब कुछ गांव में भी करना है गाइस, अब यहाँ पर देखते हैं गाइस कब आते हैं कब नहीं आते। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम बहुत जल्द आएंगे, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो गाइस हम इतने जल्दी नहीं आ पाएंगे। मैं इसको ऊपर नीचे करता रहता हूँ, ये एक क्लिप है, इसको इधर पे मोबाइल इधर पे ही रहता है मोबाइल, उधर पे वजन ज़्यादा जाता नहीं, और अगर इसको इधर पे कर देता हूँ मोबाइल उधर को ही जाता, इसलिए मैं इसको इधर पे ही कर देता हूँ। और इस स्टैंड से मैं गाइस मेरे को ये स्टैंड गाइस मेरे को भी लेना गाइस, इस स्टैंड तो बहुत अच्छे से ब्लॉक सूट हो रहा है मेरे से, और बहुत अच्छे से सब कुछ अपन बैठ के मान लो कुछ एक्सप्लेन करना हो तो वो भी कर सकते हैं, ऐसे स्टैंड रख दिया और गाइस एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन कुछ भी, ऐसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं उसको, ये ऊपर नीचे और गाइस ऊपर नीचे भी हो जाता है ये स्टैंड, बहुत अच्छा स्टैंड है गाइस। लेकिन एक मेरे को वो वाला स्टैंड लेना है, ऐसे मान लो अपने ऐसे कर देते हैं तो यहाँ पर बटन लगी रहती है तो उससे फोटो भी शूट हो जाती है। और गाइस मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, यहाँ पर तो बादल हो रहे हैं और गाइस मैं ज़्यादा कहीं घूमने भी नहीं जा रहा क्योंकि कोई है और कोई है, तो इसलिए मैं ज़्यादा घूमने भी नहीं जा रहा। मैंने वहाँ से इतना सोच के आया था, इतना सोच के आया था कि यहाँ पर जाऊँगा वहाँ पर जाऊँगा इतना उतना, लेकिन गाइस यहाँ तो सब कुछ ऐसा है तो कहीं जा नहीं पाते गाइस यहाँ पर तो, और अब मन भी नहीं हो रहा कहीं जाने का। मैं तो ये बोल रहा हूँ या मेरे पापा जी होते तो मैं सब कहीं जाता। सो गाइस मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, अच्छा लगा ब्लॉग लाइक करना, हो सके तो गाइस शेयर भी कर देना, और चैनल पर सब्सक्राइब करने की कैसे ब्लॉग मिलते रहे सब्सक्राइब ना हमारे चैनल दिन से बाद, जो बंद जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं गाइस वो भी यूट्यूब पे आके सब्सक्राइब कर लें, रुद्र किंग सेवान सर्च करना आप यूट्यूब पे और चैनल खुल के आएगा उसको सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, और गाइस ब्लॉग पूरा देख के जाना। सो गाइस मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। सो गाइस अभी मैं मोशन के इधर पे हूँ और अभी मैं खाना खा रहा हूँ, और आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अंधेरा है, बाहर से उजेरा आ रहा है लेकिन कैमरे में नहीं देख रहा। सो गाइस मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। सो गाइस अभी मैं मोशन के इधर पे हूँ बाहर पे, और यहाँ पर बहुत तेज अभी पानी गिर गया है, अभी खाना भी खा के आया हूँ, आपको मैंने अभी ब्लॉग में बताया था लेकिन वहाँ पर अंधेरा लगा था, और ये देख सकते हो अभी बहुत सारी थोड़ी थोड़ी बूंदी गिर रही हैं, और ये देख सकते हो पूरा रोड भींग गया, मतलब सारा सब कुछ पानी वानी गिर रहा है, और क्या कैसा मेरे को ये लग रहा है रिटायरमेंट कैसा होगा इनका, क्योंकि इतने पहले से ही पानी गिरने लगा तो बाद तक क्या होगा। तो गाइस मैं आपको मतलब थोड़ी देर बाद, मैं यहाँ पर आया हूँ और अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले, और गाइस मैं ऐसे ही आया था, वो दीदी मिदी को ये साड़ी माड़ी ये सबको देखना था तो मैंने सोचा लिया कि हाँ देख लेता हूँ, तो मैं भी आ गया, और क्या मैंने कहा मैं भी ऐसे घूम लूँगा थोड़ा, और क्योंकि मैं घर में अकेला था और गाइस अकेला अच्छा नहीं लगता घर में, गाइस मेरे को कबूतरी ज़्यादा दिखाई जाती है यहाँ पर आतंक, तो गाइस उधर नहीं देखना मेरे को ब्लॉक में देखना है। सो गाइस ये तो मोबाइल है, मैं वो ये मोबाइल है दीदी का, मैं आपको इस मोबाइल से शायद तक मैं दिखा सकता हूँ कि ये मेरा मोबाइल कैसा है, और अभी फूट गया है थोड़ा बहुत, लेकिन अच्छे से मेरा कैमरा भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है इस मोबाइल का, क्योंकि मैं इतने अच्छे से रखता हूँ इस मोबाइल को कि इसका सब कुछ अच्छा है, लेकिन मोबाइल ग्लास गाटा किला फूट गया, क्योंकि गाइस तनक सा फूटा था तो वो दीदी थी उनने पूरा उखाड़ के धर दिया और जहाँ तक फोड़ दिया हाथ से तो पूरा फूट गया, फिर से दो कबूतरी गाइस उधर पे नहीं देखना कैमरे में देखना है अपन को, गाइस इधर पे जब देख जब कबूतरियाँ दिखा जाती हैं दिल बहक जाता है। तो गाइस मैं ऐसे ही आया हुआ था, मैंने कहा कि पहले
ब्लॉक सूट भी कर लेता हूँ गाइस। मैं इधर पे कोने पे आके ब्लॉक सूट करने लगा और वो साड़ी वाड़ी दुकान उधर पे। सो गाइस मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। चैनल पर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको ऐसे ब्लॉक मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब ना हमारे चैनल रुद्रीन से अच्छे लगे ब्लॉग तो लाइक कर दें, हो सके तो गाइस शेयर कर दें। तो गाइस मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। मैं थोड़ी देर बाद ब्लॉग भी एंड कर दूंगा क्योंकि मेरे को ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं करना। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। सो गाइस मैं यहाँ पर जाता रहता हूँ तो मैं वहीं पर जा रहा हूँ, ऐसे घूमने के लिए जा रहा हूँ। मेरा ब्लॉग भी ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो मैं गाइस एंड करने की सोच रहा हूँ। सो गाइस चैनल पर सब्सक्राइब करने की आप ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग मिलते रहे तो सब्सक्राइब ना हमारे चैनल रुद्र के समान अच्छा लगे ब्लॉग तो लाइक कर देना, हो सके तो गाइस शेयर भी कर देना। तो गाइस तब तक लिए गाइस इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।